जादुई केक का घर। बहुत दूर झील के पास मायानगर नाम का छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बगल में ही एक बहुत ही घना जंगल था और जंगल में एक बहुत विशाल केक का घर था, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। उस जादुई केक घर के अंदर बहुत सारा खजाना मौजूद था, लेकिन जो भी लालची इंसान उस खजाने को हासिल करने जाता वो अंदर ही जलकर भस्म हो जाता था। उसी मायानगर गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। वो इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेले थी। रिया गांव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगा करती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा, कुछ दे दो बाबू साहब। रिया की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक कमला नाम की औरत निकलती है और गुस्से में कहती है, ए लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या? रोज रोज भीख मांगने आ जाती है, चल भाग यहाँ से, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली, समझी? इस तरह कमला रिया को डांट कर भगा देती है। सारा दिन भीख मांगने के बाद भी रिया को पेट भर खाना नहीं मिलता था। दूसरी तरफ रिया गांव वालों से कुछ काम भी मांगती तो वो उसे कोई काम भी नहीं देते। इस वजह से रिया के पास ना पेट भर खाना होता था और ना ही पैसे। रिया बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। एक बार रिया को 6 दिनों तक गांव वालों ने खाना नहीं दिया। 6 दिन तक कुछ ना खाने की वजह से रिया को बहुत भूख लगी थी। उसे भूख बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे भगवान, मैंने 6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये गांव वाले मुझे ना तो काम देते हैं और ना ही खाना। अब मैं करूं तो क्या करूं भगवान? अगर मेरे माँ बाबा होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, पर आपने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। तभी उस दिन कमला के घर में मेहमान आते हैं। मेहमान आने की खुशी में कमला मेहमानों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जिसकी खुशबू रिया तक पहुंच जाती है। लगता है कमला आंटी के घर में कुछ स्वादिष्ट बना है, लेकिन अगर मैंने उनसे खाना मांगा तो वो मुझे नहीं देगी और मुझे और उल्टा डांट कर भगा देगी, पर मैं क्या करूं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख से बेचैन रिया खिड़की से कूदकर कमला के घर के अंदर जाती है, फिर चुपके से कमला की रसोई में जाकर खाना चुरा कर खाने लगती है। लेकिन तभी कमला रिया को खाना चुराते हुए देख लेती है। ए लड़की, तू हमारे घर में घुसकर खाना चुरा रही है, मारो इसे। कमला की आवाज़ सुनकर उसका पति एक बड़ी सी लाठी लेकर वहाँ पहुँचता है और रिया की पिटाई करने लगता है। ऐसे ही सारे गांव वाले मिलकर रिया को लाठी से पीटने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने खाना चोरी की, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। नहीं, हम तुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, तूने मेरे घर में चोरी की है, आज खाना चुराई है, कल को गहने चुरा ले, क्या पता तेरा। इतना कहकर कमला गांव वालों को और उत्साहने लगती है कि इसको मारे। सभी गांव वाले मिलकर रिया को खूब मारते हैं। रिया भागते भागते जंगल की तरफ आ जाती है। गांव वाले उसका पीछा करते हैं। तभी उसे जंगल में जादुई केक का घर दिखता है। फिर रिया तुरंत दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। गांव वाले जंगल आकर देखते हैं तो उसे रिया कहीं नहीं दिखती, तो गांव वाले वापस लौट जाते हैं। केक के घर के अंदर जाते ही रिया को ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवरात दिखाई देते हैं। ये देख रिया बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, ये घर तो खजानों से भरा हुआ है। तभी उस घर से आवाज आती है, बच्ची, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बात पता है। गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, आज से तुम इसी घर में रहोगी। अब ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा और तुम इस केक घर को उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती हो। ये सुनकर रिया बहुत खुश होती है। अच्छा, मतलब ये केक का घर जादुई है। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अभी के अभी हवा में उड़ाकर मेरे गांव ले चलो।
रिया के इतना कहते ही वो जादुई केक का घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में रिया के गांव पहुंच जाता है। फिर अगले दिन रिया और जादुई केक के घर से अपने जरूरत की सारी चीज मांग लेती है। फिर रिया बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ रिया के पास अचानक इतना सारा पैसा और जादुई केक का घर देखकर पूरे गांव वालों को बहुत हैरानी होती है। लेकिन रिया बहुत ही ज्यादा दयालु लड़की थी। वो हर रोज गांव के गरीब लोगों की मदद किया करती थी, कभी उन्हें पैसे देकर, तो कभी खाना देकर, तो कभी कपड़े देकर। गरीब लोग इन सब चीजों के बदले में रिया को बहुत सारी दुआएं दिया करते थे। इसी तरह रिया गांव में सबकी फेवरेट बन चुकी थी। जब ये बात कमला को पता चलती है तो वो फौरन पूरी बात का पता लगाने जादुई केक के घर को देखने पहुंच जाती है। रिया को इतना अमीर देख कमला को बहुत जलन होती है और वो सोचती है, अरे ये भिखारिन रिया अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? अच्छा ये जादुई केक के घर के कारण हो रहा है, लेकिन मैं भी शांति से बैठने वाली में से कहा हूँ। मैं इस रिया की बच्ची को ही मार दूंगी, फिर इसे मारकर ये जादुई केक के घर को हथिया लूंगी और इस गांव के सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इतना सोचकर कमला आधी रात को अपने पति के साथ एक चाकू लेकर रिया को मारने जादुई केक के घर के अंदर पहुँच जाती है। बेचारी रिया आराम से बेड पर सो रही थी। यही अच्छा मौका है, चलो इस रिया की बच्ची को जान से ही मार देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी रिया को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर लाठी प्रकट हो जाती है। फिर वो लाठी कमला और उसके पति की खूब पिटाई करने लगते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई मुझे बचाओ, इस लाठी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, हे भगवान कोई बचाओ मुझे। तभी उस केक के घर से आवाज आती है, तुम दोनों पति पत्नी बहुत बेकार इंसान हो, तुमने बेचारी रिया के साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ रिया की जान लेने आई थी ना, यहाँ आकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों की जान जाएगी और तुम्हारी जान कोई और नहीं मैं ही लूंगी। तुमने बहुत सताया है बेचारी बच्ची को, अब तुम्हें इन सब की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जादुई केक के घर की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जादुई केक का घर उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करता और वही चाकू जो वो रिया को मारने के लिए लाए थे उसे से उनकी हत्या कर देते हैं और उन्हें जलाकर भस्म कर देते हैं। फिर अचानक से रिया की आँख खुलती है। रिया जादुई केक के घर से कहती है, अरे अभी यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? नहीं रिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा लगता है शायद मैं सपना देखी होंगी। जादुई केक के घर की बात सुनकर रिया चैन की नींद सो जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और रिया अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है और साथ ही अपने साथ साथ गांव वालों की भी खूब मदद करती है और इस तरह पूरे गाँव की चहेती बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।